इस वक्त रात के 10 बज रहे हैं और बीजेपी के विधायक जो है इस वक्त विधानसभा में मौजूद है। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन था और चौथे दिन भी बीजेपी लगातार सरकार से सवाल पूछ रही थी। उनकी ओर से यही कहा जा रहा था कि राज्य की सत्ता में आने से पहले हेमंत सोरेन ने जो वादा किया था, आखिर वो वादा पूरा क्यों नहीं हुआ है। देखिए, इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं यहीं से विधायक को का आने और जाने का रास्ता है। विधायक सुबह प्रदर्शन करते हैं और यहीं से अंदर जाते हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के विधायक हो या फिर विपक्ष के विधायक हो। लेकिन दूसरी ओर हम आपको तस्वीर दिखाएंगे कि देखिए, बरही विधायक उमाशंकर अकेला के साथ साथ मंगल कालिंदी इस वक्त विधानसभा के परिसर में है और जो सवालों का जो फेरिस्त है वो यहाँ पर बना रहे कि किस तरीके से तमाम सवालों का जवाब देना है, क्योंकि विपक्ष के विधायकों की ओर से लगातार रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से सरकार को घेरना है, कैसे सरकार को ये बताना है कि आपने जो वादा किया था उस वादे से विपरीत जो है आप लोग काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बरही विधायक उमाशंकर अकेला जी मौजूद है। पहले इनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि इतने रात में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। विपक्ष के विधायक तो अंदर मौजूद है और लगातार यही आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग जो वादा किए थे उसके विपरीत काम कर रहे हैं। पहले तो हम क्यों हैं इसका बारे में जानो। हाँ। पूछो कि आप क्यों आए यहाँ। तो सवाल मेरा सबसे पहले यही था कि आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं इतनी रात के इसलिए आया हूँ कि एक शून्यकाल प्रश्नकाल होता है जो हम लोग इस समय डालते हैं कि एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर कौन। तो मैं हमेशा लगातार एक नंबर में रहता हूं और मेरे छोटे भाई कालंदी जी, हम दोनों साथ में आते हैं और सुनकर जो पढ़ा चाहता है तो सबसे पहले मैं पढ़ता हूं, दूसरे में कालंदी जी पढ़ते हैं। इसलिए हम लोग जनता के सवालों के लिए हम लोग अभी आए हैं और 12:15 यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और इसलिए हम लोग कितना सचेत हैं कि हम लोग रात में भी अपना समय गनवाना नहीं चाहते। कोई सो रहा होगा, कोई अंदर सो रहा है और हम लोग यहाँ बाहर जाग रहे हैं। तो समझिए कि वो कितना सचेत, वो ड्रामा कर रहा है, हम रियलिटी कर रहे हैं। बाहर में तो जनता सो रही है, अंदर कौन सो रहा है उमा जी? ड्रामची, ड्रामची। संविधान को मानने वाले इस प्रकार से ड्रामची नहीं करते। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान है, सबको अधिकार मिला है, लेकिन इस प्रकार से धजियां संविधान को मत उड़ाइए। आप विधानसभा के अंदर में क्या कहना चाहते, क्या दिखाना चाहते हैं झारखंड के लोगों को कि हम जनता के लिए हैं? 18 साल लगातार झारखंड में किसकी पार्टी की सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। वो क्या राज के बारे में कोई सोचा? कुछ नहीं सोचा। आज हम लोग यानी कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, आज हेमंत सोरेन जी की मुख्यमंत्री बने हैं, तब से झारखंड का विकास रात दुगनी और दिन चौगनी आगे बढ़ते जा रहा है। अच्छा उमा जी, सवालों का जवाब आप लोग क्यों नहीं दे रहे? अगर सवालों का जवाब देते तो शायद ये नौबत नहीं आता, बीजेपी के विधायक अंदर नहीं मौजूद रहते, प्रदर्शन नहीं करते, वेल में उतर कर नीचे सो नहीं जाते जहाँ पर वो लोग प्रदर्शन करते हैं। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में आन के घोषणा किए थे कि आप लोग धैर्य रखिए, जब सदन को बाधित लोग कर रहे थे तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था हम एक एक सवाल का जवाब दूंगा, आप धैर्य से मेरी बात को सुनने का प्रयास करिए। लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इतने सेंसियर और एक्टिव हैं, सवाल का जवाब देने के लिए वो तैयार हैं, लेकिन इनको सवाल का जवाब नहीं सुनना है, इनको ड्रामा करना है। इसलिए ये राज्य के प्रति नहीं जाग रहे हैं, अपने स्वार्थ के प्रति जाग रहे हैं। ये जनता के हित में काम करना रहता तो ये धरना पर बैठते, रात में रहते। आप पटल पर आइए, सभी क्वेश्चन आप डालिए, क्वेश्चन के माध्यम से आपको जवाब मिलता है। और इस प्रकार से तो ये नई परंपरा हो गई। 25 फीट के बैनर अंदर ले जा करके आप क्या प्रदर्शन करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं? आई इस प्रकार से आप लोग लोकतंत्र को धजियां उड़ा रहे हैं। संविधान बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का आज आत्मा देख रही होगी, कलप रही होगी, इन भाजपा के लोगों ने हमारे संविधान को धजियां उड़ा रहा है। और इस प्रकार से संविधान को यानी कि इतनी शर्मनाक घटनाएं कर रहा है, इसका अनुमान नहीं किया जा सकता है। विधायक मंगल कालिंदी जी भी हमारे साथ मौजूद है। शून्यकाल और प्रश्नकाल आप लोग डालने आए हैं, दूसरी ओर बीजेपी के विधायक प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद भी प्रदर्शन, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है।
देखिए, सबसे पहले तो हमारे जुगसलाई विधानसभा क्षेत्र के जनता ने एक मजदूर का बेटा को आशीर्वाद देके विधानसभा भेजने का काम किया है। तो हम लोगों का भी दायित्व है कि क्षेत्र के 3.5 लाख जनता की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान करने के लिए हमने देखिए अभी जो है ये इस शून्यकाल ढालने के लिए आए हैं। और ये शून्यकाल ये क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान के लिए मैं आया हूँ। और दूसरी बात है कि इस देश के आज़ादी के लिए कई वीरों ने, बाबा तिलका मांझी देश के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, सिद्धू कान्हू चांद, भैरो, फूलो जानो, तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, मंगल पांडे, महाराणा प्रताप सिंह और 18 साल की उम्र में जो है खुदीराम बोस ने अपने जान की बलिदानी दी है, फांसी पर चढ़ी है, भगत सिंह, सुखदेव राजगुरु, ऐसे महापुरुषों ने, वीरों ने अपनी जान के बलिदानी दिए तब जाकर ये देश आज़ाद हुआ है। और एक दलित का बेटा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया है और इतना सरल संविधान बनाया है कि उस संविधान को अगर हमारे भारतवर्ष के 140 करोड़ जनता अगर 24 घंटा भी अगर उनके संविधान को हृदय में लेकर अगर उसको मान ले तो हमें लगता है कि ये पूरे देश का भला हो जाएगा। लेकिन आज हम लोगों को ऐसा देखने को मिल रहा है कि झारखंड विधानसभा के पटल पर जब माननीय अध्यक्ष महोदय स्थगित कर दिए तो स्थगित करने के बाद में सारे सदस्यों को हाउस के बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन इन लोगों की ऐसी क्या मजबूरी हो गई है जो सदन के अंदर में चोर जबरदस्ती, इसे कहते हैं गुंडागर्दी, माफियागिरी। अगर सीखना है तो इन लोगों से सीखे। जब से झारखंड अलग राज्य हुआ है तब से इन लोगों ने यहाँ में गवर्नमेंट बनाया है, राज किया है। और आज 2019 में जनता ने इस राज्य के भूमिपुत्र आदरणीय हेमंत सोरेन जी को मुख्यमंत्री बनाए हैं, जनहित में काम कर रहे हैं, जनता भी समझ रहे हैं। उसके बावजूद बिना वजह, बिना सबूत, बिना केस के राज के एक निर्माता दिशम गुरु शिवू सोरेन जी के बेटे जो आदरणीय हेमंत सोरेन जी है उनको अरेस्टिंग करके बिना वजह जेल में भेजने का काम किया। और कोर्ट ने, न्यायालय ने उचित फैसला सुनाते हुए उनको जेल से 5 महीना के बाद में रिहा करने का काम किया। आज ही लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि इस केस में बिना वजह एक सरल और एक विकास पुरुष राज्य के मुख्यमंत्री को इन लोगों ने अरेस्टिंग करके जेल भेजने का काम किया तो आज वहां से भी इनको राहत मिला है। तो विपक्ष के पास में अब कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष ये सोच रही है कि कौन सा एक माहौल बनाए, कौन सा ऐसा मुद्दा को हम लोग लेके चलें जो हमारे पक्ष में क्षेत्र झारखंड के लोग आए। तो निश्चित रूप से आदरणीय हेमंत सोरेन जी से ये लोग डरे हुए हैं और यही कारण है
कि एक मुख्यमंत्री और एक 20 साल से शासन किए मध्य प्रदेश में ऐसे लोगों को यहाँ प्रभारी बनाकर भेजें, और हमारे देश के आदरणीय गृह मंत्री जी उनको भी यहाँ में आना पड़ रहा है बार बार, तो इससे सारे एकदम सच्चाई सामने में है कि आदरणीय हेमंत सोरेन जी से इन लोगों को डर हो गया है और झारखंड के जनता जाग चुकी है और भाजपा को किस तरह भगाएं, किस तरह इन लोगों का जो है जमाना जब्त करें, इस पर जनता जो है मन बना लिया है। और यही कारण है कि आज देखिए स्थगित के मतलब क्या होता है। अगर आप संविधान को मानते हैं, आप अगर संविधान का सम्मान करते हैं, तो आज आप विधानसभा के अंदर में रहकर संविधान का उल्लंघन नहीं करते। ये लोग खुलेआम जो है संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, और इसे कहते हैं माफियागिरी, गुंडागिरी, जोर जबरदस्ती। ये क्या है? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब देखिए यूपी में किस तरह एक दलित महिला के साथ में कितना बड़ा अत्याचार हुआ, उस पर क्यों नहीं बोलते हैं ये लोग? इन लोगों का कहना है सवालों का जवाब ही नहीं देते हैं आप लोग। सवाल का जवाब आज हमने दिया ना, आज हमने जवाब दिया कि इनके सरकार में गोविंदपुर जलापूर्ति योजना में 15 से 18 के बीच में 24,000 कंज्यूमर को लाइन देना था, लेकिन इतना घटिया काम और इतना घपला हुआ। हमने तो कहा कि इसका जांच हो जाना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमने तो कहा। और ये लोग जो है जिस प्रकार से आज जो है सदन में जिस प्रकार से किया, सारे सदस्य हैं और सारे सदस्य को जनता ने चुनकर भेजता है विधानसभा के पटल पर कि अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उस समस्या का समाधान करेंगे, लेकिन आज ये समस्या का समाधान क्या करेंगे?